गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी का सेवेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। सो अपन ने पहले के टॉपिक्स में बात करी थी कि अपने अर्थ बनी कैसे है और उसकी लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उसके बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ्स हैं और जो भी लाइफ प्रोसेस है और जो भी मिनरल्स है, जो भी रॉक्स है, वो आखिर बने कैसे हैं। सो रॉक्स ओरिजिन ऑफ लाइफ। रॉक्स मतलब पत्थर। पत्थर क्या है? द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो अर्थ का जो क्रस्ट है, जहाँ पे अपन अभी खड़े हैं, ये बहुत अलग अलग प्रकार के पत्थरों से, रॉक्स पत्थर से बने हुए हैं, जिसे अपन क्रस्ट कहते हैं। ओके, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अब रॉक किसे कहेंगे? अब इसके लिए अपन बात करते हैं कि अपन जो भी ह्यूमंस हैं, अपन जो भी हैं, अपनी जो लाइफ जो आखिर यहाँ पे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, वो किस कारण कर रही है? फूड, एयर, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये चार जो पैरामीटर है जिसके कारण अपनी आज के टाइम में अर्थ पे अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अब एयर, ऑक्सीजन और एयर, वाटर, ऑक्सीजन, इन सब की बात अपन बाद में करेंगे। अपन अभी बात करते हैं केवल फूड के लिए। अपन को फूड कहाँ से मिलता है? अपन को फूड मिलता है प्लांट्स से। जितने भी एनिमल्स, ह्यूमंस और जितने भी जीव जंतु हैं, कहीं ना कहीं खाने के लिए प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं, वो अपन को फूड देते हैं। और अब ये प्लांट का जो फूड बनने के लिए प्रोसेस है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? मिनरल्स, मिट्टी, ऑक्सीजन, सनलाइट, ये तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे केवल मिट्टी की, कि मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी होती क्या है और मिट्टी बनती कैसे। सो ये जो मिट्टी है, ये लाखों करोड़ों टाइप का एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, वो धीरे 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 टुकड़ों में टूटना चालू होते हैं और एक महीन से छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो छोटे छोटे कन्वर्ट होते हैं दानों के अंदर, उसे अपन मिट्टी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती कैसे, जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं और जो चट्टाने हैं, ये आखिर टूटती कैसे और महीन दानों में बदलती कैसे, ये जो है इस प्रोसेस के लिए क्या होता है कि जो भी एयर है, एयर से, पानी से या बर्फ से, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर जैसे कोई पत्थर है, उसके अंदर हल्का सा गैप है और उसके अंदर अगर पानी चला जाता है, तो धीरे धीरे वो पानी उस चीज़ को काटना चालू करता है, उस पत्थर को धीरे धीरे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चालू करता है। और वहीं अगर उसी गैप के अंदर अगर बर्फ़ जम जाती है, तो बर्फ़ धीरे धीरे क्या करती है, उस गैप को बड़ा करती जाती है, तो वो पत्थर टूट जाता है। और फिर जो एयर है, उस जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो भी जो पत्थर है, उसको धीरे धीरे उड़ा के इधर उधर कहीं लेके जाती है और उसे कहीं ना कहीं सेटल डाउन कर देती है, जहाँ पे एक नया पत्थर बनता है, एक नई लेयर बनती है। सो अपन अब ये है कि कैसे पता करेंगे कि कोई सी भी चीज़ जो रॉक है, उसको रॉक क्यों कहते हैं, रॉक के लिए क्या होना चाहिए, पत्थर जो होता है उसके लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो है एक तो नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल मतलब प्रकृति से उत्पन्न होना चाहिए। दूसरा मिनरल मटेरियल होना चाहिए, उसके अंदर मिनरल जो है वो कंटेन होना चाहिए, मिनरल प्रेजेंट होना चाहिए, और जो कि अपनी अर्थ की क्रस्ट पे मिलना चाहिए या पाया जाना चाहिए। तो नेचुरल की इसमें बात करें कि अगर नेचुरल तो हर चीज़ ही है, तो फिर अपन उसके अंदर डिफ्रेंशिएट और अपने उसके अंदर कैसे अंदर पता करेंगे कि ये रॉक है जिससे अपन कहेंगे। अगर एग्जांपल के लिए अपन बात करते हैं कि अपन एक पेंसिल लेते हैं, एक फ्लावर लेते हैं और एक पत्थर लेते हैं, तो पेंसिल तो नेचुरल नहीं है, उसको हटा देते हैं। बाकी जो फ्लावर है,
और जो रॉक है ये तो नेचुरल है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन कि ये रॉक है और ये रॉक नहीं है। सो उसके लिए एक सेकेंड पैरामीटर जो आता है मिनरल मटेरियल, उसके अंदर मिनरल्स कंटेन होना चाहिए। कंटेन होना चाहिए मतलब मिनरल्स होना चाहिए, जो कि फ्लावर के अंदर मिनरल्स नहीं होते हैं और रॉक के अंदर मिनरल होते हैं, तो उस पत्थर के अंदर वो मिनरल है तो इसलिए उसे रॉक कहेंगे, और वो अर्थ की क्रस्ट पे, अर्थ की सरफेस पे भी पाया जाता है तो इसलिए अपन उसे एक पत्थर या एक रॉक कह सकते हैं। सो अगर बात कही जाए जो अपने लाइफ की जो शुरुआत होती है वो होती है एक रॉक से, एक चट्टान से, एक पत्थर से। पत्थर धीरे धीरे सालों लाखों करोड़ों टाइम के प्रोसेस के बाद में धीरे धीरे टूटता है और वो मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिस मिट्टी पे प्लांट और पेड़ पौधे जो भी हैं वो सर्वाइव करते हैं और अपन को फूड देते हैं और उस फूड के कारण अपन जो लाइफ है, जो ह्यूमंस एनिमल्स हैं और सब उस पर डिपेंडेंट है। तो जो अगर अपने देखा जाए तो अपनी लाइफ का जो एक मूल आधार है वो है चट्टाने, रॉक्स। इसीलिए यहाँ पे रॉक्स को इम्पोर्टेंट बताया गया है कि नेचुरल और मिनरल होना चाहिए और अर्थ क्रस्ट पे पाया जाना चाहिए, जो उसे ही एक रॉक कहेंगे। अब रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार के टेक्सचर, शेप और अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब कोई बड़ी चट्टान है, कोई छोटी है, कोई अलग है, कोई किसी कलर में है, कोई कैसी है, कोई कैसी है, एक बहुत अलग अलग टाइप के इसमें टाइप्स होते हैं रॉक के अंदर। जो अपन ने रॉक्स हैं उसको अपन ने मेनली 3.3 जो रॉक्स है उसके अंदर डिवाइड कर रखा है। देर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। फर्स्ट है इग्नेस रॉक, सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नेस रॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इग्नेस रॉक के बारे में बात करते हैं कि इग्नेस रॉक जो है, इग्नेस वर्ड कहाँ से आया। इग्नेस वर्ड एक लैटिन वर्ड है, इग्नेस। इग्नेस का मतलब होता है फायर। फायर यानी मतलब जिसके अंदर आग है या तो आग से बना हुआ, इसीलिए इसे इग्नेस रॉक कहते हैं। सेकेंड अपन बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का जो वर्ड है सेडिमेंट्री, वो कहाँ से आया, सेडिमेंटम से आया। सेडिमेंटम का मतलब मीन होता है कि सेटलिंग डाउन। अगर अपन बात करते हैं कि अगर एक घड़े के अंदर अपन एक पानी, घड़े के अंदर पानी लें और उस पानी के अंदर, उस घड़े के अंदर अपन थोड़ी सी मिट्टी डालें, तो धीरे धीरे जो भी मिट्टी है वो घड़े की तले पर सेटल हो जाएगी, बैठ जाएगी। थोड़ी देर बाद अपन उसको वापस उसमें मिट्टी डालें तो वापस से वो जो मिट्टी है वो धीरे धीरे घड़े के सतह पर बैठ जाएगी। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये भी इसी प्रकार से कुछ बनती है, इसका प्रोसेस अपन आगे डिस्कस करेंगे। और एक मेटामॉर्फिक जो वर्ड है ये कहाँ से आया, मेटामॉर्फिस से आया। मेटामॉर्फिस का मीन्स क्या होता है, चेंज इन फॉर्म मतलब यानी किसी भी चीज़ का रूपांतरण हो जाना। अगर आज के टाइम में अपन एक एग्जांपल के लिए अपन एक ब्रेड लेते हैं, वो ब्रेड को अपन जला देते हैं, तो अगर ब्रेड को अगर अपन जला देते हैं तो अपन उसको क्या कहते हैं कि जो ब्रेड का एक रूपांतरण हो गया, उसका मेटामॉर्फिस हो गया। मेटामॉर्फिस मतलब उसका रूपांतरण हो गया, उसका चेंज हो गया, उसका एक फॉर्म चेंज हो चुका है। तो यही बात होती है कि यदि इग्नेस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक, इन दोनों के अंदर अगर हीट और प्रेशर से कुछ भी एक चेंजेस आता है, कुछ भी चेंज होता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो इग्नेस और सेडिमेंट्री रॉक के से ही बनती है। सो प्रकृति का आप देख लीजिए, नेचर का जो एक मतलब एक साइकिल ही है कि सबसे पहले जो बनती है वो इग्नेस रॉक बनती है। इग्नेस रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, टुकड़ों में टूटती है, महीन छोटे छोटे दानों में, छोटे छोटे कंकड़ों में, पत्थरों में कन्वर्ट होती है और उसे एयर, वाटर, आइस जो भी है धीरे धीरे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और वहाँ पे रख देती है और जमा देती है। तो जैसे ही पहले एक लेयर जमी, फिर थोड़े सालों बाद, लाखों करोड़ों सालों बाद एक और लेयर बनी, उसी के ऊपर एक और लेयर बनी, फिर लाखों करोड़ों सालों बाद एक और लेयर बनी, तो एक लेयर के ऊपर जो लेयर बनती है उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं।
जैसे कि अपन ने कहा था कि सेटलिंग डाउन, मतलब जो कणों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सेटल होते हैं, उसके बाद में जो पत्थर या जो भी रॉक बनती है उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक के बाद में आती है मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो कैसे बनती है, अगर इग्नेस रॉक के अंदर या सेडिमेंट्री रॉक के अंदर कुछ भी हीट और प्रेशर से कुछ भी अगर कन्वर्ट होता है या कुछ भी ऐसा चेंजेस होता है, उसके बाद में जो एक नई बनती है रॉक उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सो आज अपन ने पता करा कि जो रॉक्स है वो अपने कैसे ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती है, कैसे उसके द्वारा जो अपनी जो लाइफ है वो आगे बढ़ती है, इवॉल्व होती है, चलती है, और जो चेंजेस है अपने लिए सूटेबल करती है, और रॉक्स कैसे कहते हैं, और रॉक्स को अपन किस बारे में और किस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि रॉक जो होता है वो एक नेचुरल होना चाहिए, उसके अंदर मिनरल कंटेन होना चाहिए और वो अर्थ की क्रस्ट पे पाया जाना चाहिए। सो थर्ड पॉइंट क्या था अपन ने पढ़ा कि जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट साइज कलर और टेक्सचर्स के अंदर आता है, मतलब अलग अलग साइज टेक्सचर कुछ भी हो सकता है, काला पीला जो भी है पत्थर अलग हो सकता है। और इसके जो जो रॉक्स है अपन ने उसको तीन फॉर्म में डिवाइड कर रखा है, इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो अपन ने इग्नेस रॉक के बारे में बना हुआ पढ़ा हुआ है, जाना अपन ने कि इग्नेस रॉक वो होता है जो आग से बना हुआ, जो आग के द्वारा बना हुआ होता है। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक जो इग्नेस रॉक के जो सालों की प्रोसेस के बाद में जो टूटता है और एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक सेटल होता है, उसके बाद में जो लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर एक बनने के बाद में जो भी रॉक है, एक चट्टान या भी एक पत्थर बनता है उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और हीट और प्रेशर के बाद में अगर इन दोनों के अंदर हीट और प्रेशर के बाद में अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब अपन ये जानते हैं कि जो इग्नेस रॉक है वो बनता किससे, क्योंकि जो फर्स्ट जो रॉक है इग्नेस रॉक की, इग्नेस रॉक के बाद में सेडिमेंट्री बनता है, सेडिमेंट्री और इग्नेस रॉक के बाद में मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। सो फर्स्ट ये अपना ये मानना पड़ेगा कि इग्नेस रॉक होता क्या है और बनता कैसे। तो इसके लिए अपनी एक प्रोसेस है कि अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कुकर है, प्रेशर कुकर, उसके ऊपर सीटी रहती है और उसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है, तो जो सीटी और जो भी जब सीटी बजती है, जब सीटी उसके ऊपर आती है प्रेशर से, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब बाहर आती है, जैसे पानी वानी जो भी अगर उसके अंदर रहेगा वो थोड़ा बहुत बाहर आता है। तो वही बात इग्नेस रॉक के अंदर होती है कि अपनी जो अर्थ क्रस्ट है, अपनी जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर जो अपनी जो लेयर्स है उसके अंदर कोर जो है अपनी मेटल के बाद में जो अपनी आती कोर, वहाँ पे बहुत हीट और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आई है, तो वो क्या होता है कि एक लावा के फॉर्म में एक मैग्मा में बदल जाता है। और जब धीरे से या मतलब एक प्रोसेस के बाद में जैसे जैसे भी कभी कभार वो जो लावा है वो अर्थ के क्रस्ट से बाहर आता है, जैसे कि अगर अपन ये वॉल्केनो है, ये अपना जो भी ये लावा है, ये लावा अर्थ के क्रस्ट से बाहर आता है, ये बाहर आया, बाहर आने के बाद में ये ठंडा होता है, सूखता है, ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, कूल डाउन होने के बाद में जो रॉक बनती है वो इग्नेस रॉक बनती है। अब आपको समझ में आएगा कि इग्नेस रॉक का मतलब अपन ने फायर क्यों बताया है, आग से बना हुआ क्यों बताया है, क्योंकि ये मोल्टन लावा जो कि अपने अर्थ के कोर के अंदर पाया जाता है उससे बनती है, वो जो बाहर आता है वोल्केनो के थ्रू तो उससे बनती है, तो उसे इग्नेस रॉक कहते हैं। फिर इग्नेस रॉक जब ये सूख जाता है तो उसे इग्नेस रॉक कहते हैं, और फिर सूखने के बाद में जब ये लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस के बाद में जब टूटता है, जब धीरे धीरे कटता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो भी दानों में कन्वर्ट होता है, उसे हवा पानी और आइस जो भी उड़ा के ले जाती है, कैसे भी उसको ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक बनती है, क्योंकि अगर वो लेके गई है इग्नेस रॉक के पार्टिकल्स को तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमते हैं, और जो जमने की प्रोसेस है और जो एक लेयर जो बनती है उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फिर इन दोनों के अंदर हीट और प्रेशर के कारण जो भी चेंजेस आता है उसे उसके कारण मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो आपको समझ में आया होगा कि रॉक्स जो अपनी हेल्प कैसे करती है,
और ये तीन टाइप की जो अपनी रॉक्स है जो मेनली अपन ने जो डिवाइड कर रखी है, इसके बारे में अपन अब डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सो आज के लिए थैंक यू।